अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है मिनिमम एडिट डिस्टेंस। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज एडिट डिस्टेंस और देन व्हाट इज मिनिमम एडिट डिस्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा कि मिनिमम एडिट डिस्टेंस किस तरीके से हम कंप्यूट कर सकते हैं, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में आप ऑब्जर्व करेंगे किस तरह हम बैक ट्रैकिंग करते हुए दो स्ट्रिंग्स को आपस में अलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज एडिट डिस्टेंस। एडिट डिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एडिट डिस्टेंस गिव्स अस अ वे टू क्वांटिफाई द इंट्यूशन अबाउट हाउ मच स्ट्रिंग्स आर सिमिलर। मींस ये एडिट डिस्टेंस हमें दो स्ट्रिंग्स की सिमिलैरिटी के बारे में बताते हैं। और जब हम कहते हैं मिनिमम एडिट डिस्टेंस, actually the minimum edit distance between two strings is defined as the minimum number of edit operations. Operations kaun kaun se hote hain, like insertion, deletion and substitution, needed to transform one string into another. ke hame kitne minimum operation perform karne pade ki hum ek string ko dusri string mein transform kar sakte hain. Next slide mein cheezein aur zyada clear ho jayengi. So again edit distance, jis tarah humne pehle discuss kiya, ye indicate karta hai ki मैं बताता है कितनी दो स्ट्रिंग्स सिमिलर हैं। इसकी एनएलपी में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं। पहली एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, डेट इज स्पेल करेक्शन। रिज्यूम कीजिए कि यूज़र ने टाइप किया जिराफ और ये अब करेक्ट वर्ड नहीं है। अब आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाह रहे हैं जो यूज़र ने मिसस्पेल्ड वर्ड टाइप किए उससे नियरेस्ट सजेशन दिखाए। तो आपके ख्याल से नियरेस्ट सजेशन ये है, ये है, ये है या लास्ट वन है, राइट? तो आप कहेंगे कि जो इससे नियरेस्ट सजेशन है वो है लास्ट वन। सो एडिट डिस्टेंस या जब हम मिनिमम एडिट डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर हमने इसमें ट्रांसफॉर्म करने तो कितने मिनिमम ऑपरेशन रिक्वायर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर का डिफरेंस है और ये ज़्यादा क्लोज है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा करेक्टर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली यूज़र भी यही वर्ड टाइप करना चाह रहा था, और इस तरह आप स्पेल करेक्शन एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्टेट ऑफ द आर्ट जो स्पेल करेक्शन हैं वो अब बहुत स्टेट लेटेस्ट प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड मॉडल्स और न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर स्पेल करेक्शन, बट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये इसकी एक एप्लीकेशन थी हिस्टोरिकली। फिर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में इसका काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ है। जब आपको दो डिफरेंट सीक्वेंसेस दिए जाते हैं और आपको उन सीक्वेंसेस को अलाइन करने, तो अगेन आप एडिट डिस्टेंस वाली अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम में, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में, स्पीच रिकग्निशन में एडिट डिस्टेंस एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं। एडिट डिस्टेंस या मिनिमम एडिट डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं कि द मिनिमम एडिट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग इज द मिनिमम नंबर ऑफ एडिट ऑपरेशंस के इंसर्शन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन जो कि रिक्वायर हों एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मिनिमम एडिट डिस्टेंस ही को डिफाइन किया जा रहा है। सो अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है, ये सोर्स स्ट्रिंग है और ये आपके पास टारगेट स्ट्रिंग है, और आप इस स्ट्रिंग को इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में अलाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉसिबल अलाइनमेंट डिस्कस की गई है कि अगर आप इस सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आई को आप डिलीट कर दें, एन को ई से सब्स्टिट्यूट कर दें, टी को एक्स से सब्स्टिट्यूट कर दें, ई एज इट इज रहेगा, देन उसके बाद सी को इंसर्ट कर दें, एन से को यू से रिप्लेस कर दें, टी एज इट इज, आई एज इट इज, ओ एज इट इज, एन एज इट इज। सो इस तरह आप अगर ऑपरेशन परफॉर्म करें या जितनी आपको स्ट्रिंग को चेंज करना है वो है वन, अगेन टू, थ्री, फोर और फाइव। तो आपको ये मिनिमम फाइव ऑपरेशंस परफॉर्म करके आप इस स्ट्रिंग को इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मिनिमम इस वजह से कह रहा हूँ कि ये
इससे कम ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो सकते और इससे मैक्सिमम तो हो सकते हैं कि आप कहें कि पहले आई एन टी ई इन तमाम को हम डिलीट कर दें और देन उसके बाद इन सबको इंसर्ट कर दें। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें कि अगर मुझे इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है तो इन दोनों स्ट्रिंग को इस तरीके से अलाइन किया है कि हमें कम से कम जो ऑपरेशन हैं इंसर्शन डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन इनको कम से कम परफॉर्म करना पड़े। सो अलाइनमेंट से अब आप देख सकते हैं कि आई को अगर हम डिलीट कर दें, एन को ई से सब्स्टिट्यूट कर दें, टी को एक्स से सब्स्टिट्यूट कर दें, देन ई एज इट इज रहेगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। फिर सी को हम यहाँ पे इंसर्ट कर दें, अगेन एन को यू से सब्स्टिट्यूट कर दें, बाकी तमाम क्राइटेरिया एज इट इज रहे तो हम कम से कम ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही तमाम ऑपरेशन यहाँ पे लिखे हुए स्लाइड में भी कि आई को हमने डिलीट किया, देन उसके बाद एन को ई से सब्स्टिट्यूट किया, टी को एक्स से सब्स्टिट्यूट किया, ये एज इट इज, आई सी को हमने इंसर्ट कर दिया, अगेन एन को यू से सब्स्टिट्यूट किया और हमें इतने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े। अब अगर इंसर्शन डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन अगर इसकी हम कॉस्ट 1-1 अज्यूम करें कि हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो इट मीन्स इस की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 1-1-1-1-1 मीन्स टोटल 5 कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी। और अगर सिचुएशन ये है कि आप कहते हैं इंसर्शन की 1 कॉस्ट है, डिलीशन की 1 कॉस्ट और सब्स्टिट्यूशन की 2 कॉस्ट है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास डिलीशन की 1 कॉस्ट आएगी, देन सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट हो रहा था, सिमिलरली यहाँ पे इंसर्शन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, सो इस तरीके से जो आपकी कॉस्ट आ जाएगी दैट इज 8। तो डिपेंड करता है कि आप एडिट डिस्टेंस कंप्यूट करते हुए ये कौन सी फॉर्मुलेशन यूज करें। सो इफ ऑपरेशन हैज 1 कॉस्ट देन जो डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन दीज इज 5। तो ये जो कॉस्ट है ये असल में बता रहा है कि इन दो के दरमियान डिस्टेंस कितना है, और अगर सब्स्टिट्यूशन की कॉस्ट 2 है जिसको हम लेमन टाइम कहते हैं तो देन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8। सो ये नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है कि अलाइनमेंट इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूजेज है कि आपको सीक्वेंस दी जाते हैं और आपने सीक्वेंस को अलाइन करना है, देखना है कि ये दोनों सीक्वेंसेज या डीएनए कितने हद तक आपस में मैच कर रहे हैं। यहाँ पे भी बैकएंड पे हम एडिट डिस्टेंस अप्रोच को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशंस हैं दैट इज इन एवेल्यूएटिंग मशीन ट्रांसलेशन एंड स्पीच रिकग्निशन, के अगर आपके पास है स्पोकन कंफर्म सीनियर गवर्नमेंट एडवाइजर वर अपॉइंटेड और जो आपका सिस्टम है चाहे वो स्पीच के थ्रू है या मशीन ट्रांसलेशन के थ्रू है, वो कहता है स्पोक्समैन सेड द सीनियर एडवाइजर वॉज अपॉइंटेड, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से कितने ज़्यादा सिमिलर हैं और इनकी सिमिलैरिटी अब आप करेक्टर लेवल की बजाय वर्ड लेवल पे कंप्यूट कर सकते हैं। और अगर आपके पास दो मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम है, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम क्या होता है, जो एक लैंग्वेज को एज एन इनपुट लेता है और दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अगर आपने इंग्लिश एज एन इनपुट ली और मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम इस इंग्लिश को फ्रेंच में कन्वर्ट कर देगा या उर्दू में कन्वर्ट कर देगा या हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, जिस तरह गूगल ट्रांसलेट काम करते हैं। सो अब अगर आपके पास दो मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम है या दो डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू वो मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम बिल्ड किए गए हैं, एक MT1 कह लेते हैं, एक मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम 2 कह लेते हैं, और उसको एक इनपुट लैंग्वेज दी जाती है फ्रेंच और वो उसको कन्वर्ट करता है इंग्लिश में, तो ऑब्वियसली जब आपने एवेल्यूएट करना है तो उस फ्रेंच के इक्विवेलेंट आपके पास एक्चुअल इंग्लिश होगी जो उसकी करेक्ट ट्रांसलेशन होगी, जिसको हम ग्राउंड ट्रूथ कह रहे हैं या लेबल कह रहे हैं। और अगर मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम एक ऐसी ट्रांसलेशन जनरेट करता है जिसका जो एडिट डिस्टेंस है वो टारगेट से 3 है और दूसरे का जो एडिट डिस्टेंस है दैट इज 5, तो आप इसकी बेस पे कह सकते हैं कि इसने ज़्यादा क्लोज ट्रांसलेशन जनरेट की है दिस वन। सो ये एक पॉसिबिलिटी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली तो जब हम मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम को एवेल्यूएट कर रहे हैं तो इसके अलावा हमारे पास ब्लू स्कोर है और डिफरेंट एवेल्यूएशन मेजर्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम की एवेल्यूएशन के लिए। सिमिलरली स्पीच रिकग्निशन सिस्टम को डिफरेंट तरीके से भी एवेल्यूएट किया जा सकता है।
Similarly, named entity extraction and entity coreference के लिए भी ये red distance को use करते हुए, जिस तरह IBM insurance named entity थी, और जब हमने यहाँ पे IBM profit था, तो ये entity इसको co-refer कह रही है, यानी as it is यहाँ पे इस entity का नाम नहीं use हुआ, बल्कि उसका sub part हुआ, लेकिन ये इसको co-refer कह रही है। इस तरह की problem को solve करने के लिए भी हम entity added distance को use कर सकते हैं। Similarly, next example में देखिए, Stanford professor का नाम है, और then उसके बाद उसका सब फॉर्म यूज की गई है या कुछ वर्ड यूज किए गए हैं जो कि एंटिटी को रेफर, इसको रेफर कर रही है। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हम एडिट डिस्टेंस यूज कर सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड मिनिमम एडिट डिस्टेंस, हम इसको किस तरह ट्रीट करते हैं, हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ सर्चिंग प्रॉब्लम। जब हम इसको सर्चिंग प्रॉब्लम के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होगी। इनिशियल स्टेट में हमारे पास कहेंगे कि हम ये मेरे पास इनपुट वर्ड है, द वर्ड्स वी आर ट्रांसफॉर्मिंग। देन मेरे पास गोल स्टेट होगी कि मुझे इस वर्ड को एक्सटेंशन में या एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करना है, द वर्ड्स वी आर ट्राइंग टू गेट। देन जो ऑपरेटर उस पर परफॉर्म होने हैं, दैट इज इंसर्शन, डिलीशन एंड सब्स्टिट्यूशन, ये ऑपरेटर परफॉर्म होंगे। और एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अपनी जो कॉस्ट है या एडिट ऑपरेशंस हैं उनको मिनिमाइज करना, ताकि हम इस इनिशियल स्टेट से गोल तक पहुंच सकें। एक दफा दोबारा हम मिनिमम एडिट डिस्टेंस को एज अ सर्च प्रॉब्लम के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें मेरे पास स्टार्ट स्टेट है, गोल स्टेट है, मुझे इस वर्ड को किस वर्ड में ट्रांसफॉर्म करना है वो गोल स्टेट आ गई, जो ऑपरेटर्स परफॉर्म और जो ऑपरेटर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, दैट इज इंसर्शन, डिलीशन एंड सब्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है इस इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने में, कम से कम ऑपरेशन परफॉर्म करने। सो यहाँ पे इसी चीज को समराइज किया जा रहा है कि अगर हमें अब एडिट मिनिमम एडिट डिस्टेंस परफॉर्म करने, कंप्यूट करने, एक पॉसिबिलिटी है कि हम ब्लाइंडली कर लें, लेकिन वो इतने ज़्यादा कम्बिनेशन बन जाएंगे कि हमें उसको पूरे को एग्जॉस्टिवली सर्च करके फाइंड करना कि हमें वो मिनिमम एडिट डिस्टेंस क्या होगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो देन यहाँ पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायनेमिक अप्रोच, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच यूज करेंगे, ताकि हम कम से कम टाइम में सोल्यूशन तक पहुँच सकें। सो The space for all edit sequences is huge. We can't afford to negative naively. Blindly, loads of distinct paths wind up at the same state. We don't have to keep track all of them. Just the shortest path to each of these revisited states. So, यहाँ पे अब formally define किया जा रहा है कि edit distance या minimum edit distance क्या है। अगर आपके पास दो strings हैं, x और y, x को आप इनपुट कह लें या इसको आप सोर्स कह लें, या ये आपके पास इनिशियल स्टेट है और वाई आपके पास आउटपुट है या टारगेट है जिसको आपने जनरेट करना है। ज़रूरी नहीं कि एक्स और वाई दोनों सेम लेंथ के हों, इस वजह से यहाँ पे एक्स की लेंथ वाई डिफरेंट n है और y की लेंथ m है, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब हमने वी डिफाइन d i कोमा g j, सो असल में हमने क्या करना है, अब हमने कॉस्ट कंप्यूट करनी है x को y में ट्रांसफॉर्म करने की, x को y में ट्रांसफॉर्म करने की। सो जो d i j है, अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 4 है और m इज इक्वल टू 5 है, मीन्स x की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ x वो 4 है, 4 करेक्टर्स हैं, लेंथ ऑफ y मेरे पास 5 करेक्टर्स हैं, तो अब द एडिट डिस्टेंस बिटवीन x 1 टू y, x पहले करेक्टर से लेके 4 करेक्टर तक और y 1 से लेके 5 करेक्टर तक,
So that is the first I characters of X and the first J characters of Y. So जब हम यहाँ पे ही कह रहे हैं ना कि X one to वन से लेके थ्री तक, तो ये जो I है ये बता रहा है कि हमने X के पहले तीन करेक्टर्स रीड कर ली. अगर I की वैल्यू वन है तो हमने भी पहला करेक्टर रीड किया. X I की वैल्यू अगर टू है तो ये हमने सेकंड करेक्टर तक रीड कर ली. तो ये जो I की वैल्यू है ये इंडिकेट कर रहा है हमने कितने करेक्टर्स रीड कर ली. जो J की वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि हमने Y के कितने करेक्टर्स रीड कर ली. सो I X की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने करेक्टर्स रीड कर लिए. और जो टोटल करेक्टर्स हैं वो हमें पता है कि X में 4 टोटल करेक्टर्स हैं और Y के टोटल करेक्टर्स हैं 5 हैं. तो जब हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि D I J, और अगर मेरे पास D I और I की वैल्यू 4 है और J की वैल्यू 1 है, तो इट मींस के मैं जो कॉस्ट कंप्यूट कर रहा हूँ वो कॉस्ट कंप्यूट कर रहा हूँ X के चारों करेक्टर्स को. अगर मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ Y के पहले करेक्टर पे तो मुझे कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी या कितनी कॉस्ट आएगी. सिमिलरली अगर D 1 है तो इट मींस X के पहले करेक्टर को Y के दूसरे पहले करेक्टर पे ट्रांसफॉर्म करने की कॉस्ट क्या. अगर होता है D 3 5, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि X के पहले तीन करेक्टर्स को, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं X को, और ये कर X के पहले तीन करेक्टर्स को अगर आप ट्रांसफॉर्म करें Y के ऑल फाइव करेक्टर्स पे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी. और एक्चुअली जो हम इंटरेस्टेड हैं वो हम इंटरेस्टेड हैं 4 5, कि अगर X की लेंथ 4 है तो 4 को 5 में कन्वर्ट करने की कॉस्ट क्या है, और हम इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं. सो द एडिट डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इज DM, N, M. So hopefully आपको क्लियर हो चुका होगा कि डी आई कोमा जे इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस को, कि X की कितनी स्ट्रिंग्स को हम रीड कर चुके हैं और उसको हम Y की कितनी स्ट्रिंग्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. और अगर मेरे पास यहाँ पे N और M है तो इट मीन्स कि हमने X की तमाम की स्ट्रिंग को ट्रांसफॉर्म कर दी है Y की तमाम स्ट्रिंग्स पे, और ये एक्चुअल कॉस्ट आ रही. सो होपफुली आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिट डिस्टेंस को एक छोटी सी एग्जांपल पे ड्राई रन करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे. यहाँ तो कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह.